काफी बुरा समय देखने के बाद आज वो दिन आ चुका था जब सभी पापा की प्रिया उसके बनाए हुए स्कार्फ के लिए पागल हो रही थी और सभी को उसका स्टाइलिश स्कार्फ चाहिए था। तो वो शहर में अपनी मम्मी को फोन करके कहता है हमारा धंधा चल पड़ा, जिससे उसकी मम्मी पूरे परिवार के साथ बोरी बिस्तरा बांध कर वहाँ आ जाती है और वो लोग एक फैक्ट्री सेटअप करते हैं। लेकिन लोरेक्स को लगता है अब ये और भी पेड़ काटेंगे और वो गुस्से में उनकी तरफ बढ़ता है। तो जैक उससे कहता है अब तुम एक औरत पर हमला करोगे, तो लोरेक्स कहता है मैं इस पर हमला नहीं करूंगा, लेकिन एक दिन तुम इस छोटे हाथी को यहाँ लाने के लिए पछताओगे, और निराश होकर वहाँ से चला जाता है। अब वो लोग पेड़ों को न काट कर उनकी छाल उतार रहे थे, लेकिन इसमें बहुत समय लगता था और इतने से इन लालचियों का पेट भी कहाँ भरने वाला था, जिससे वो पूरे पेड़ काटना शुरू कर देते हैं। लोरेक्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है तो ये छोटा हाथी, और जल्द ही वो लोग जंगल को खत्म करते हुए उसका आखिरी पेड़ भी काट देते हैं। अब पेड़ न होने से उनका काम भी बंद हो चुका था, तो उसकी सौतेली माँ उसका सारा पैसा लेकर यहाँ से चली जाती है और इस झींगुर को यही छोड़ देती है। वहाँ के एनिमल्स भी वहाँ से जा रहे थे क्योंकि पूरे जंगल में पॉल्यूशन फैल चुका था। तो लोरेक्स उससे कहता है तुम अपनी पूरी जिंदगी बचताओगे और हमेशा इस घर में कैद रहोगे, और वो भी आसमान में गायब हो जाता।